चलिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बनाया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि कोई भी फॉर्मेटिंग जो किसी कंडीशन के बेस पे होती है उसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है? जो आपका ये फॉर्मेट सेल पे आता है ना, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये सारी चीजें फॉर्मेट हो सकती है। नंबर नंबर फॉर्मेटिंग भी उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे। पहले देखते हैं कि कुछ इनके पहले से प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं। ये होम टाइप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सारा है, जिसमें पहले से कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिनको कस्टमाइज करके आप काफी कुछ पहले से ही कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया ये सेल्स का डेटा। हाईलाइट सेल्स रूल्स, पहला है ग्रेटर देन, कि किसी कंडीशन पे हाईलाइट होंगे तो इसके ये रूल ग्रेटर देन। जैसे मैं लिख देता हूँ कि 60 से बड़ी वैल्यू हाईलाइट होनी चाहिए, तो यहाँ हाईलाइट हो रही है। ठीक है जी, फॉर्मेट कौन सा हो सकता है आप चूज कर सकते हैं, येलो फिल वाला, ग्रीन फिल वाला, रेड टेक्स्ट खाली, या अपने आप से देना चाहे तो कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में देखेंगे तो ये नंबर फॉर्मेटिंग भी है, फॉन्ट भी है, बॉर्डर है, फिल है। फिलहाल मैं फिल को यूज करता हूँ और येलो करता हूँ, कि जो कंडीशन उसको मीट कर रही है 60 से जो बड़ी है उनको येलो से फॉर्मेट कर। ओके कर दिया, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये हो गया अपना, येलो हो गया। जैसे ही कोई वैल्यू अगर चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग डल जाता है। मान लीजिए वैल्यू अगर बड़ी जा रही है, इससे बड़ी, तब होगा, ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है। अब कोई भी फॉर्मेटिंग, अब इसमें मुझे दूसरी फॉर्मेटिंग लगानी है तो पहले पहली वाली उड़ानी होगी। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्लियर रूल है। इसमें दो ऑप्शन है, क्लियर रूल्स साथ में का। साथ में नहीं लगेगी हाँ जी, ये, इसके ऊपर एक और लगानी हो दोनों लग पाएंगे क्या चीज रूल? जो अभी अभी जैसा अपन लगाया ग्रेटर देन 60 के लिए येलो कलर शो कर रहा हाँ, है, साथ में क्या लगाना है कि लेस देन 50 के लिए रेड कलर शो करे। लेस देन, हाँ वो बताता हूँ सारे। तो इसमें क्या है कि पहले मैंने बताया कि कोई फॉर्मेटिंग हटा के दूसरी लगानी है तो पहली वाली हटानी पड़ेगी। तो क्लियर रूल्स का इसमें ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, अगर सेल सिलेक्टेड है आपका सारा डेटा, और नहीं तो एंटायर शीट से दूसरा, तो सारी शीट से उड़ जाएगी एक साथ। ठीक है, अभी एंटायर शीट लगा। अब दूसरा रूल देखते हैं इसमें कि हाईलाइट सेल रूल, लेस देन का भी अपने पास। ठीक है जी, 50 से छोटी सारी की सारी आपकी हाईलाइट हो रही। ओके कर दिया। दूसरा तरीका है क्लियर करने का इसको, कि यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो यहाँ मैनेज रूल है, इसमें जितने रूल लगे होंगे वो आपको दिखाई देंगे इस डायलॉग बॉक्स में। एक सेल पे जितने अप्लाई होंगे, जैसे 50 से ग्रेटर देन कर दिया, फिर मैंने कर दिया कि बिटवीन 30 से 70, तो ये अलग अलग दो तरह की फॉर्मेटिंग आ गई। तो आप देख सकते हैं मैनेज रूल में, ठीक है जी, दोनों लगी हुई है। तो कोई भी करंट सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन के अंदर वाली दिखाता है, जिस वर्कशीट में उस वर्कशीट की दिखाएगा कितनी लगी हुई। ठीक है जी, तो अभी सिलेक्शन पे है, किसी को भी डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट ऑप्शन के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैनेज रूल से कोई नया रूल लगाना भी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, इस पर क्लिक करके न्यू रूल। आगे देखते हैं बिटवीन है, बिटवीन में है 30 से 70 के बिटवीन की वैल्यू, आप चेंज कर सकते हैं। या किसी सेल का अगर रेफरेंस देना हो, मान लीजिए इधर का दे दिया मैंने कि H1 के और I1 के बीच की वैल्यू, ओके कर दिया। तो यहाँ मैंने दे दिया 30, यहाँ दे दिया 70, इसके बीच की 50 से 70 के बीच की। तो मतलब जैसे ही वैल्यू चेंज होगी ये अपने आप कंडीशन चेंज करेगी। ठीक है जी, क्लियर रूल कर देता हूँ।
दूसरा है बिटवीन, बिटवीन का तुम बता दिए, इक्वल टू, कोई भी सेल इक्वल टू, जैसे 67 ये हाईलाइट होगा उसके इक्वल टू, इक्वल टू हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट में, टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं चाहे तो, सेल जो है इक्वल टू इसको ठीक है जी दे सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन आपका डेट्स में भी चलता है, ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मान लीजिए मैंने नेम वाली फील्ड सिलेक्ट कर ली, अब इसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जिसमें ये जो भी यहां देंगे वैल्यू वो हो वो हाईलाइट कर देगा। मान लीजिए मुझे चाहिए कि जिन नेम्स के बीच में एस हो, मतलब स्टार्टिंग हो एंड हो कहीं भी बीच में कहीं भी हो कुछ भी हो, तो ऐसे दे सकते हैं, डबल ई दे सकते हैं जहां डबल ई हो वो हाईलाइटेड कर दे, तो कंटेन्स वाला मेथड चलेगा इसमें। डेट अकरिंग, ये डेट के लिए है, स्पेशल है डेट के लिए, डेट अकरिंग में क्या है काफी सारे ऑप्शन है, यस्टरडे, कोई यस्टरडे की डेट होगी तो हाईलाइट हो जाएगी, यस्टरडे की कौन सी डेट थी, दो थी ना, तो अगर मान लीजिए कहीं दो तारीख है ये हाईलाइट हो जाएगा। देन इसी तरह है डेट अकरिंग में यस्टरडे टुडे, ये है कि कैलेंडर के साथ साथ जैसे आपका चेंज होता जाता है ना वो उसी पे हाईलाइट रखेगा, टुडे में आज की है। देन इसी तरह से टुमारो कल आने वाली दिखाएगा, इन द लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिन की, ठीक है, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की, अगर कहीं होगी तो इसमें कर दी होगी हाईलाइट। लास्ट वीक, जो लास्ट वीक रही होगी, यहां से फिल्टर में देखती हूँ, फिल्टर में कोई नहीं आ रहा, तो लास्ट वीक की कोई डेट है नहीं इसमें। देन इसमें आपके पास है दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, पिछले महीने वाली कोई डेट होंगी कि अगर इसमें पिछले महीने की तो दिखा देगा। पिछले महीने की कोई डेट्स वगैरह नहीं दिखा रहा है, ओके, क्योंकि ये डेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मैंने फॉर्मूला डाला था फिर उससे वो ऊपर आप कैलकुलेट कर रहा था, तो क्या करता हूँ बदल देता हूँ। देखेंगे पिछले हफ्ते, पिछले महीने की दिखा रहा है, इसी तरह नेक्स्ट मंथ होता है लास्ट मंथ, ठीक है, तो इसमें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी उस हिसाब से आपका डेट पे भी रिजल्ट दिखाए। देन आपके पास है डुप्लीकेट वैल्यूज, किसी में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होगी तो उन दोनों को हाईलाइट कर देगा, इसमें ऑलमोस्ट सारी है तो सबको हाईलाइट कर दिया। डुप्लीकेट में डुप्लीकेट होता है और यूनिक होता है, यूनिक वैल्यू हाईलाइट कराना चाहे तो सेल जैसे यूनिक है तो वो अकेले हाईलाइट है। देन आपके पास है टॉप एंड बॉटम रूल्स, जैसे मैंने चूज कर लिया टॉप 10 आइटम्स, डाटा सिलेक्ट किया टॉप 10 आइटम्स,
टेन का मतलब ये नहीं टेन ही होंगे, 10, 20, 15 जो मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। तो उतने आइटम इसमें हाईलाइट हो जाएंगे। उतने आइटम हाईलाइट हो जाएंगे जितने आप सिलेक्ट करेंगे। टॉप 10%, 10% का मतलब है जैसे आपके 700 रिकॉर्ड हैं तो 10% 70 रिकॉर्ड हो गए तो उतने हाईलाइट हो जाएंगे इसमें। मतलब 20%, 5%, 1% उतना कर सकते हैं, जैसे 1% कर रहा हूं तो उतने हाईलाइट हो जाएंगे। 9 है तो 900 के आसपास मेरे टोटल रिकॉर्ड है। ठीक है, देन आपके पास है बॉटम 10 आइटम्स। उसी तरह सबसे छोटे जो 10 आइटम्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। सबसे छोटे वाले टॉप 10% हाईलाइट हो गए, परसेंट नहीं टॉप बॉटम 10 हाइलाइट हो गए। बॉटम 10% मतलब सबसे छोटे वाले जो जितने भी 5% ऑफ रिकॉर्ड सबसे छोटे वाले उठा के दे देगा। उसी तरह से आपके पास अबव एवरेज, अबव एवरेज में क्या है कि जो एवरेज से अबव होंगे मतलब पूरे को ले लेगा उनके एवरेज निकाल लेगा, 50.25 समथिंग निकल रही है एवरेज, तो इसमें अबव एवरेज इससे बड़े वाले सारे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है जी। बिलो एवरेज है इसी में, एवरेज से बिलो वाले होंगे 50.25 से नीचे उनको हाईलाइट कर देगा। उसके बाद है हमारे पास डेटा बार्स। डेटा बार्स समवेयर आपके इसकी तरह होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट होता है ना, तो बार चार्ट इसकी तरह से होते हैं जो विद इन सेल में होते हैं। तो आपको दिखा रहा है जितनी वैल्यू है इस हिसाब से चार्ट बन रहा है, अगर घटेगी या बढ़ेगी तो उस हिसाब से ये चार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे 2 डिजिट में वैल्यू है तो यहाँ समझ आ रही है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मान लीजिए वैल्यू के डिजिट ज्यादा है, लाख में है करोड़ में है, तो कौन सा बड़ा है छोटा देख के समझने में आसानी नहीं होती, तो यहाँ से फटाफट आप देख सकते हैं, आपको एक लुक में पता पड़ जाएगा कि कैसा आपका डाटा जा रहा है, ठीक है। उसी की तरह अपने पास होते हैं डेटा बार्स की तरह, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, इसी की तरह अपने पास होते हैं कलर पैलेट, कलर स्केल्स। जैसे पहला है ग्रीन येलो रेड, ठीक है जी। इसमें रेड का 3 कलर में चेंज होगा, कम वैल्यू पर लिए रेड लेगा, जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वो येलो की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ेगी तो ये सीधा ग्रीन की तरफ हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पे फुल ग्रीन हो जाएगा। इस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। तो कलर स्केल का यूज जो है, जैसे ट्रेंड निकालना है हमें, यहां से बढ़ता गया यहां से घटता गया, तो कलर स्केल वहां यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद है आइकन सेट। जैसे कि हमने वो देखे थे अपना डाटा बार्स, उसी तरह से कॉल आइकॉन सेट है। किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आप आइकॉन फिक्स कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 अलग अलग तरह के हैं। मान लीजिए एक कंडीशन आती है आपकी सेल्स में कि सबसे जो अच्छी सेल्स है वो राइट में दिखाए और जो एवरेज सेल्स है उसको उसमें दिखाए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में, और जो बेकार है उनको क्रॉस में दिखाए, तो एक ग्लांस में आपको ये पता पड़ जाता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है।
आइकॉन सेट्स का अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनको कस्टमाइज करना, ये जो भी थे वो सब थे जैसे मैंने आइकॉन सेट लगा दी, बट इसमें ये चीज नहीं थी कि क्या रूल होना चाहिए उसके लिए। तो हम मैनेज रूल में जाएंगे उनको एडिट करने के बाद, तो यहां से ये सिलेक्ट कर लिया, अब एडिट करेंगे। एडिट रूल में इसके आपको दिख जाएगा कि कितने, ये कह रहा है कि व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 67% तब राइट का साइन है। आप वैल्यू वाइज करना चाहते हैं तो नंबर पे यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को नंबर पे सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा जो 70 से ऊपर की वैल्यू है वो उस पर राइट का साइन आना चाहिए, 70 से छोटी और 50 से बड़ी वैल्यू के लिए वो आना चाहिए एक्सक्लेमेशन, और जो 50 से छोटी है उसके नीचे क्रॉस आना चाहिए। ठीक है, ओके करेंगे तो ये नई कंडीशन अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ये फिगर नहीं दिखाने, खाली साइन ही दिखाने हैं, तो यहाँ से शो आइकॉन ओनली पे क्लिक कर सकते हैं। ओके करेंगे तो सिर्फ आइकॉन दिखाएगा, वैल्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है, रिवर्स आइकॉन ऑर्डर, इसको क्लिक करेंगे तो आइकॉन ऑर्डर पलट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 जो है क्रॉस आएगा, 70 से 50 तक वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और लेस देन 50 पे आपका राइट का साइन। तो रिवर्स आइकॉन ऑर्डर से कर सकते हैं वो, बाकी साइन चेंज करने हैं तो यहाँ सिंबल दिए हुए हैं, ये जैसे 4 है 5 है, तो हम क्या अलग अलग तरह से कंडीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपके साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, 5 कलर का चूज कर सकते हैं, अलग अलग तरह की कंडीशन बना सकते हैं अलग अलग उसके लिए। अब आते हैं न्यू रूल देखते हैं। न्यू रूल में क्या है कि बाकी सारे जो थे ऊपर रूल थे, न्यू रूल या मैनेज में जाके यहां से भी न्यू रूल कर सकते हैं, तो ये सारे आ जाते हैं जिसमें आप मैन्युअली सेट करते हैं। पहला है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ठीक है जी, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू पे, ऑरेंज से लाइट येलो तक के लिए जा रहा है, टू कलर इसके लिए इस तरह से, थ्री कलर स्केल चूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट पे क्या वैल्यू देनी है, हाथ से भी दे सकते हैं, लोएस्ट वैल्यू की जगह नंबर भी चूज कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, डेटा बार से यहाँ से यहीं से चूज कर सकते हैं, खाली बार ही दिखानी है आपने, शो बार ओनली का ऑप्शन है तो खाली बार बार आ जाएगी आपको। आइकॉन सेट दिखाने हैं तो आइकॉन सेट के लिए फुल है, नए रूल अप्लाई हो जाएंगे। और न्यू रूल में क्या है, उसके बाद फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंस, तो हमने कंटेंस वाला पढ़ा था, उसमें कंटेंस था, पर आगे पीछे मतलब एस से स्टार्ट होने वाले को खाली वो करना है, हाईलाइट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है सेल वैल्यू एक तो, या तो बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, जितने भी कंडीशंस होती है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इसमें मिलेगी। ठीक है, स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग है, नॉट कंटेनिंग मतलब जिसमें ये ना हो, बिगनिंग विद एंडिंग विद, बिगनिंग विद एस के है तो बिगनिंग विद एस, एस से स्टार्ट होने वाले, यहां से स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए चूज कर सकते हैं, डेट अकरिंग डेट के हैं सारे सारे, यस्टरडे टुडे वाले, ब्लैंक्स ब्लैंक्स हाईलाइट करने हैं, फॉर्मेट, इन सब में फॉर्मेट आपको चूज करना पड़ेगा, पहले से दिया हुआ कुछ नहीं है, जैसे येलो कराना है येलो, कोई भी खाली सेल होगी तो यहाँ पे येलो से वो ब्लैंक होगी तो आ जाएगा, नो ब्लैंक्स मतलब जो ब्लैंक सेल नहीं है उनको हाईलाइट कराना, एरर्स कहीं बीच में एरर्स हैं तो उनको हाईलाइट कराना, नो एरर्स जो जिनमें एरर नहीं है उनको हाईलाइट कराना, इस तरह से इसमें कंडीशनली फॉर्मेट कर सकते हैं।
और टॉप 10% और बॉटम 10% वाला फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक वाले। टॉप बॉटम यहाँ से चूज कर सकते हैं, 10 आइटम लेने या परसेंटेज लेने यहाँ से चूज कर सकते हैं, मतलब 10, 20, 30। इसको सिलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज वाला रिजल्ट देगा, नहीं करेंगे तो आइटम वाला दिखाएगा। अबव और बिलो एवरेज, इसमें अबव बिलो के दो है, और इक्वल और अबव, इक्वल और बिलो, जो उसके इक्वल टू और बिलो हो एवरेज के, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी है इसके अंदर। यूनिक और डुप्लीकेट का फॉर्मेट ओनली यूनिक एंड, तो यहाँ पे यूनिक डुप्लीकेट के रूल। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला दे सकते हैं जिसके रिजल्ट अगर ट्रू है तो ये फॉर्मेट कर देगा वैल्यू। आपको अभी फॉर्मूला मैंने बताया नहीं, पर मैं आपको फिर भी सैंपल दिखाता हूँ कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है जी। पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे जो वैल्यू 50 से बड़ी है, ठीक है जी, उसको हाईलाइट कराना है, तो एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। मैंने कहा इक्वल टू, फॉर्मूला स्टार्ट इक्वल टू से करते हैं। अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है 50 से, ठीक है जी, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, ये इक्वल टू डायरेक्टली करेंगे तो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा, इसके फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन, सब हम वैसे ही कर सकते हैं, तो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा। हमें फॉर्मेट कराने के लिए हमेशा ट्रू चाहिए, तो 50 से बड़ी वैल्यू जो है आइडेंटिफाई कराने के लिए हमें ये फॉर्मूला। अब दूसरा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जब फॉर्मूला के थ्रू लगाते हैं तो हम पूरी सेल ऐसे सिलेक्ट करके नहीं लगा सकते, हमें क्या करना होता है, एक सेल पे लगाना होता है फिर, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग है तो फॉर्मेट प्रिंटर के जरिए हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं इसको। तो इन केस ये ऐसा सीन होता है ड्रैग वाला, ठीक है जी, तो ड्रैग वाली वैल्यू, ड्रैगिंग ड्रॉप पे जो रूल अप्लाई होते हैं वही इन पे होते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको इधर ड्रैग करता हूँ तो इसका रेफरेंस बदल देता है, ये यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, इधर पे ये सिलेक्ट हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इधर ड्रैग करूँ तो इसका चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा, जो भी चीज फिक्स करनी है उसके आगे डॉलर लगा देते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए मैं चाहता हूँ इसको ड्रैग करने पर रो बढ़े 2, 3, 4, 5 हो, 2, 3, 4, 5 हो, तो उसके लिए मुझे खाली छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं नहीं चाहता कि रो नहीं बढ़नी चाहिए तो यहाँ आगे डॉलर लगा दे, तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, ठीक है जी। क्योंकि जब मैं इसको इधर भी ड्रैग करता हूँ तो ये अपना लिंक नहीं छोड़ता, ठीक है जी। अब ऐसा फार्मूला हमने क्या करना है, पहले कॉपी किया यहाँ से इक्वल टू तक, यहाँ पे आ गए जिस पे लगाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल और यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विद सेल टू फॉर्मेट, यहाँ ये फॉर्मूला डाल दिया और फॉर्मेटिंग चूज कर ली क्या चाहिए, येलो चूज कर लिया, ओके एक पे आ गया, 50 से बड़ी पे फॉर्मेट हो गया। देन हमें फॉर्मेट प्रिंटर लेना है और वहां तक खींचना है जहां तक हमें चाहिए, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। 50 से ऊपर की वैल्यू फॉर्मेट हो गई, मैनेज रूल में जाएंगे तो ये रूल आपको दिखाया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें दो तरह की लगी हुई है, अभी मैंने जिस वर्कशीट करा तो फॉर्मेट करके जब मैंने करा तो ये दो कंडीशन हो गई। इसमें जो रेंज देख रहा हूँ मैं D3 से 834 है और एक है D2, क्योंकि पहले तो D2 में ही लगाया था, तो यहाँ से हम रेंज उसकी चेंज कर सकते हैं। चाहूँ तो मैं इसको D2 कर दू, यहीं से पूरा पूरा रेंज ले लेगा, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा होंगी तो कन्फ्यूज करेंगी। तो एक सिंगल कंडीशन में मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको, सेल्स वन, मान लीजिए आपकी हफ्ते भर की सेल है, ठीक है जी, पहले मैं पुरानी वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग उड़ा देता हूं,
अब मेरे पास इसमें करना क्या है कि 7ों दिन का पहले मैंने सम करना है, तो जिसका सम 400 से ऊपर हो, ठीक है जी, वो हाईलाइट हो जाए, जिसका सम 400 से ऊपर हो वो हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें बनाना है ट्रू फॉल्स में, ठीक है। ट्रू फॉल्स में कैसे बनेगा, पहले तो सम लगा दिया मैंने, सम का वैल्यू आ गई। अभी सम के ही आगे मैंने कहा ग्रेटर देन 400, तो 400 से ऊपर की हो, ठीक है जी। तो लॉजिकल ऑपरेटर है, इसके लगते ही ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देगा, ठीक है जी। वही ड्रैगिंग वाला ऑप्शन है, क्योंकि मैं चाहता हूं पूरी की पूरी लाइन मैंने हाईलाइट करानी है, इतना ऐसे लाइन हाईलाइट हो जानी चाहिए। तो उसमें क्या है, फॉर्मेटिंग को मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा और ड्रैगिंग ड्रॉपिंग के रूल पूरी तरह से अप्लाई होंगे। तो इसमें मैं चाहता हूं कि कॉलम चेंज नहीं होनी चाहिए और रो चेंज हो, तो जो फिक्स करना है कॉलम फिक्स करना है मैंने, उसके आगे लगाना है डॉलर, ठीक है जी। अब फॉर्मूला मैंने ये सेकेंड सेल के लिए बनाया है, D2 सेकेंड रो के लिए बनाया है, तो इसका अप्लाई भी सेकेंड रो में ही करना पड़ेगा। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पूरा, यहाँ क्लिक कर दिया, न्यू रूल पे गया, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, और ये फॉर्मूला डाल दिया, फॉर्मेट में मैंने ऑरेंज करा दिया, ओके कर दिया। देन मैंने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर से इसे फॉर्मेट कॉपी किया और पूरे डेटा पे इस पे कर दिया। तो डेट की फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज हुई है, जिसको मैं वापस सही कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि जहां जहां वो 400 से ऊपर रही है तो पूरी पूरी रो हाईलाइट हो चुकी है, ठीक है। तो ये जस्ट एक सैंपल था आपको दिखाने के लिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पावर क्या है। आगे हम इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका और क्लियर होगा, ठीक है सर। ये टोटल हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये जो ग्लास वाली आपने समझाई है, मेरे को इसका फंक्शन समझ नहीं आया, मतलब उसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है।